हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका स्वागत है। सेकंड लेक्चर है और सीधे आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन बताया था, मैकेनिज्म बताया था। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू साइन एक्स। पिछली बार क्वेश्चन में इक्वल टू में जीरो था, आपके बार साइन एक्स आ गया है। गिवन दैट y इक्वल टू 1 और y डैश इक्वल टू 0। कब y कब 1 होगा? जब x 0 होगा। y डैश कब 0 होगा? जब x 0 होगा। मतलब dy बाय dx की वैल्यू कब 0 होगी? जब उसमें x की जगह 0 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे कैपिटल D जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? d बाय dt रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। तो गिवन क्या है कि y ऑफ 0 1 है और y डैश ऑफ 0 कितना है? 0 है। इस चीज़ को आप समझ लें कि y की वैल्यू 1 है, मतलब कि y की वैल्यू कब 1 है? जब x 0 है। y डैश की वैल्यू 0 है, कब 0 है? जब x 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, अगर y मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y डबल डैश हो जाएगा, प्लस इसको हम लिख देंगे 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू साइन एक्स। अगर स्टूडेंट हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, ठीक है, ऑन टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों तरफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो एल वाई डबल डैश प्लस 6y डैश, यहाँ पे लाप्लास लिखना भूल गया, प्लस 9 लाप्लास y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, तो स्टूडेंट y डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी वाई ऑफ 0 माइनस वाई डैश 0। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डैश होता है पी वाई बार माइनस वाई 0, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y होता है y बार। तो ये वैल्यूज हम ऊपर पुट कर देते हैं, एल वाई डबल डैश की जगह ये लिखेंगे हम, तो हम लिखते हैं इसकी जगह मैं ये लिखने वाला हूँ पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी वाई 0 माइनस y डैश 0। ये हमने इसकी जगह पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको लगाते हैं ब्रैकेट के अंदर, प्लस 6, फिर 6 एज इट इज, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y डैश की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पी वाई बार माइनस वाई 0। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 9 प्लस 9, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y को हम क्या लिख सकते हैं, सीधे y बार। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन x कितना होता है स्टूडेंट? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन x होता है 1 अपॉन में a साइन 1 अपॉन में सॉरी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए का काम कौन कर रहा है? थीटा का कोफिशियंट कौन है? 1। तो ये हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एक्स आ गया 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करेंगे, जिन जिन टर्म्स के पास y बार है उन टर्म्स से उसके कोफिशियंट्स कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ये वाली टर्म में y बार है, यहाँ पे y बार है और यहाँ पे y बार है, तो y बार कॉमन ले लेंगे। तो अगर यहाँ से y बार जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से y बार जाएगा तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर, यहाँ से y बार जाएगा तो यहाँ पे 6 इंटू पी बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से y बार जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने क्या करा, y बार कॉमन निकाल लिया। जब हमने y बार कॉमन निकाला तो यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पे 6p और यहाँ पे बचा होगा 9। अब बिना y बार वाली टर्म्स की बात कर लेते हैं, तो बिना y बार वाली टर्म्स में है स्टूडेंट पी वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू कितनी है 1, तो वाई जीरो की जगह कितना लिख दूंगा 1 माइनस वाई डैश 0, तो वाई डैश 0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0, पी डॉट 1 माइनस वाई डैश 0 की जगह 0। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, फिर वाई जीरो की वैल्यू कितनी है 6, y 0 की वैल्यू है 1 और 6 बन जा 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बची हुई टर्म आ गई इक्वल टू में 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। ये आपका इक्वेशन हो गया, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं हम। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 वाई बार माइनस पी माइनस 6, क्योंकि 0 हट जाएगा, माइनस का 0 प्लस का 0 हट जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1। ये माइनस का पी और माइनस का 6 उस तरफ चला जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का पी प्लस का 6। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या करेंगे, वाई बार की वैल्यू निकालेंगे, तो ये पूरा उस तरफ चला जाएगा वाई बार की वैल्यू निकालने की वजह से, तो इसको उठा के उधर ले जाते हैं। सो स्टूडेंट अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट, इसको मैं आपके लिए रिजॉल्व कर देता हूँ। ये फॉर्मूला बन रहा है पी स्क्वायर, इसको 2 के मल्टीपल में लिखूँ तो 2 इंटू 3 इंटू पी, और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर। आपके समझने के लिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ,
वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी प्लस सिक्स, तो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं, पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर वाई बार वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी प्लस सिक्स। अब वाई बार की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से स्टूडेंट, तो वाई बार की वैल्यू क्या होगी, तो ये सबके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़, फिर ये पी अपॉन में पी प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन में पी प्लस थ्री का स्क्वायर, ये सबके डिनोमिनेटर में जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वाई बार बचेगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि वाई बार को हम क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट वाई बार को हम लिख सकते हैं एल ऑफ वाई टी, बाकी राइट हैंड साइड जो है वैसा का वैसे लिखा है, ठीक है, वन अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वन प्लस पी अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट चूंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो देखिए हम थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, और ये एल को उधर लेके जाएंगे, तो इधर बचेगा वाई टी, एल इधर आएगा, तो ये इसका एल इनवर्स इस पूरे का किसका, पी प्लस थ्री के होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वन, इसका एल इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट चूंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके न्यूमरेटर्स को ऐड करके इसके नीचे लिख देते हैं, पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर और इसका भी इनवर्स। क्या करा हमने, वाई बार को एल ऑफ वाई टी लिख दिया, राइट हैंड साइड में कोई चेंजेस नहीं करे, राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिखा, फिर हमने नोटिस करा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को हमने ऐड करके लिख दिया। ये एल जो है, ये एल जब उठ के उधर जाएगा, तो इसमें एल इनवर्स होगा, इसमें एल इनवर्स होगा और इसमें एल इनवर्स होगा, तो हमने इन दोनों में एल इनवर्स कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसको अलग से देखना है और इसको अलग से देखना है, इन दोनों को हमें अलग से देखना है, तो इन दोनों को अलग से देखना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा और इसको भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होगा, इसके एलसीएम तोड़ने होंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को नहीं आता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, आप समझने का प्रयास करिएगा, तो हम इनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, इसको हम दे देते हैं अभी इक्वेशन नंबर वन। तो पहले स्टूडेंट मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन इसकी बात करूँगा, ये आसान है आपको और जल्दी समझ में आएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखिए p प्लस सिक्स, पहले इसको रिजॉल्व कर रहे हैं, l इनवर्स बाद में लेंगे, p प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो देखिए जितनी पावर होगी उतने कांस्टेंट ऐड करना होंगे, तो देखिए मैं क्या करूँगा, a अपॉन में p प्लस थ्री प्लस b अपॉन में p प्लस थ्री का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो प्लस c अपॉन में p प्लस थ्री का होल क्यूब कर देता, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, क्या करा, जितनी पावर है उतने कांस्टेंट लगा दिए, दो पावर है तो दो कांस्टेंट लगा, तीन पावर होती है तीसरा कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस कर देते। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम आएगा पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर आएगा, इधर का पी प्लस सिक्स एज इट इज़ पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर, मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो इस तरफ एलसीएम आएगा पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक पी प्लस थ्री है और एलसीएम दो बार आया है, तो एक के साथ पी प्लस थ्री का मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि p प्लस थ्री का होल स्क्वायर एलसीएम और b के नीचे ऑलरेडी, तो b में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये दोनों इधर से कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब मेरी इक्वेशन यहाँ से जो बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन क्या है मेरी, यहाँ पे बच रहा है p प्लस सिक्स, पी प्लस सिक्स और इधर बच रहा है a इंटू पी प्लस थ्री प्लस बी। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, दो कांस्टेंट है, एक को जीरो बनाना है, तो पी की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना पड़ेगी कि जो है या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, तो पी की वैल्यू पुट करने से बी का तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि बी के साथ पी मल्टीप्लाई नहीं है, तो मैं ए को जीरो बनाऊंगा। तो ए को जीरो बनाने के लिए पी प्लस थ्री, ए का कोफिशिएंट ये, इसको जीरो के बराबर करूंगा तो पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, तो यहाँ पे पी इक्वल टू माइनस थ्री इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में पी की जगह माइनस थ्री प्लस सिक्स ए, पी की जगह माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस बी, तो ये थ्री माइनस थ्री जीरो और माइनस थ्री प्लस सिक्स थ्री, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ बी, ये जीरो हो गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास थ्री आ गई। अब स्टूडेंट इसी इक्वेशन से क्या करेंगे हम, इसी इक्वेशन से हम करेंगे अब ए की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट क्योंकि मैं बी को जीरो नहीं बना सकता पी की किसी वैल्यू से, तो मैं कोफिशियंट कंपेयर करूँगा, तो मैं कोफिशियंट कंपेयर करता हूँ पी की पावर वन के, तो दोनों तरफ पी की पावर के कोफिशियंट कंपेयर करेंगे, तो इधर पी की पावर वन का कोफिशियंट वन ही है, यहाँ पे देख सकते हैं पी का कोफिशियंट कोई भी नहीं, यानी कि वन है, फिर यहाँ पे पी नहीं है तो ये हट जाएगा, फिर इधर पी का कोफिशियंट कौन है, राइट हैंड साइड में ए है,
इधर पी है नहीं, इसके पास पी नहीं है, तो ये सब हट गया, तो ए इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट वन। इसी तरीके से पी स्क्वायर होता तो उसके भी कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते। तो स्टूडेंट मेरे पास ए और बी की वैल्यू आ गई, तो स्टूडेंट मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो मेरे पास ये है इस पर मैं आऊँगा, जो मेरे पास पी प्लस सिक्स अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन में पी प्लस थ्री। तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए की जगह वन लिख सकते हैं, तो वन अपॉन में पी प्लस थ्री। प्लस आगे बात करते हैं स्टूडेंट बी अपॉन में पी प्लस थ्री, तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं थ्री, थ्री अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो इसको तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब कि ये वाली जो चीज़ है पी प्लस सिक्स अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन में पी प्लस थ्री प्लस थ्री अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास आगे इक्वेशन वन में। अब स्टूडेंट इसकी बात करते हैं, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये दूसरे पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो स्टूडेंट कैसे बनाएंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, तो कितना है इसकी पावर दो है, तो ए अपॉन में पी प्लस थ्री प्लस बी अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे पी की पावर वन थी पर यहाँ पे पी की पावर टू, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी में, तो देखिए अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो तीसरा कांस्टेंट होगा उसके अंदर पी का मल्टीप्लाई प्लस चौथा कांस्टेंट, जब भी ऐसा होगा तो इस तरीके से लिखना है। अगर ये अकेला होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ए पी प्लस बी, ए पी प्लस बी, अगर ये नहीं होता और सिर्फ ये होता तो ए पी प्लस बी लिख देते। ये आपको थोड़ा सीखना होगा, इसके लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन का अलग से लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी है। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, ए अपॉन में पी प्लस थ्री प्लस बी अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सी पी प्लस डी अपॉन में, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इस तरीके से, और क्वाड्रेटिक नहीं तो जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप याद कर सकते हैं रूल यहाँ से, ये सीधा रियल रूल है, कॉन्स्टेंट आप ए बी सी डी की जगह जो लेटर्स अच्छे लगते हैं वो लगा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे, तो पी प्लस थ्री लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़, पी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ वन अपॉन में, इस तरफ एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे आपका पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस वन, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ए के पास क्या क्या नहीं है, तो ए के पास एक ही पी प्लस थ्री है, तो एक पी प्लस थ्री उसको देना पड़ेगा, ये नहीं है के पास पी स्क्वायर प्लस वन, ये भी देना पड़ेगा। बी के पास पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, बी को क्या देना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस वन देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं सी पी प्लस डी, एलसीएम में पी स्क्वायर प्लस वन डी के पास, इसके पास आएगा तो इसको देना पड़ेगा पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा जैसा कि हमने पिछली बार करा था। तो मूल इक्वेशन क्या बनती है हमारे पास, मूल इक्वेशन बनती है ए इंटू पी प्लस थ्री पी स्क्वायर प्लस वन पी स्क्वायर प्लस वन सी पी डी पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले तो हमें क्या करना है, ए बी सी और डी कुछ ऐसी पी की वैल्यू ढूंढना है कि इसमें कांस्टेंट ज़ीरो हो जाए। तो अगर आप देखें यहाँ पे पी प्लस थ्री है, यहाँ पे पी प्लस थ्री है, ए के पास भी पी प्लस थ्री है और इन दोनों के पास भी पी प्लस थ्री का मल्टीप्लीकेशन है, तो अगर मैं पी प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो कर दूँ, दैट इज़ पी इक्वल टू माइनस थ्री रख दूँ इस इक्वेशन में, तो देखिए क्या होने वाला है, इक्वेशन नंबर वन में पी इक्वल टू माइनस, इधर तो पी है नहीं तो इधर रख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस बी माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन, फिर माइनस थ्री डी क्योंकि पी के साथ है, और माइनस थ्री प्लस थ्री का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय ए ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस ज़ीरो, तो ये तो पूरा ज़ीरो हो गया। थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा टेन, तो ये टेन भी बन गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन प्लस वन, माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन प्लस वन टेन, टेन भी। फिर स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय दिस तो ज़ीरो, तो बचा गया टेन बी इक्वल टू वन, तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी वन बाय टेन, ये एक वैल्यू हमने स्टूडेंट यहाँ से निकाल ली। अब स्टूडेंट पी की किसी भी वैल्यू से हम कोई कांस्टेंट को ज़ीरो नहीं बना सकते, क्योंकि अब पी प्लस थ्री से इन दोनों को ज़ीरो बना दिया, पर इसको ज़ीरो नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे पी स्क्वायर। अब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो कोफिशिएंट कंपेयर करने से पहले हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलजेब्रा क्लियर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कोई चिंता नहीं है, ए एज इट इज़ पी इंटू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा पी क्यूब, पी इंटू वन कितना हो जाएगा प्लस का पी, थ्री इंटू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा थ्री पी स्क्वायर, थ्री इंटू वन कितना हो जाएगा थ्री, ये आपका पहला वाला आ गया, बी इंटू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी पी स्क्वायर, बी इंटू वन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्लस
सी पी प्लस डी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो 6p। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये तो पूरा सॉल्व हो चुका है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 = ए अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए पी क्यूब प्लस ए पी प्लस 3ap² प्लस 3a प्लस bp² प्लस b प्लस, अब cp का मल्टीप्लाई p² में करेंगे तो p × p² हो जाएगा पी क्यूब सी उसमें एज इट इज़, फिर cp का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9 cp, cp का मल्टीप्लाई करेंगे p मल्टीप्लाइड बाय pp² और 6cp², फिर इसी तरीके से d का मल्टीप्लाई करेंगे हम p² में तो dp², d का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो 9d, d का मल्टीप्लाई करेंगे 6p में तो 6dp। अब हमें कोफिशेंट कंपेयर करने में आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पी क्यूब के कोफिशेंट कंपेयर करेंगे। पी क्यूब के कोफिशेंट कंपेयर करते दोनों तरफ, तो स्टूडेंट पी क्यूब के कोफिशेंट अगर दोनों तरफ कंपेयर करना है तो इधर तो कुछ है ही नहीं जीरो, क्योंकि इधर पी क्यूब है ही नहीं। अब अगर इधर मैं कंपेयर करूँ पी क्यूब का कोफिशेंट, सबसे पहले ए हैगा, आगे बढ़ते हैं फिर पी क्यूब ढूंढते हैं कहाँ है इस इक्वेशन में, ये रहा प्लस सी, पी क्यूब का कोफिशेंट सी है, फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो कहीं भी पी क्यूब नहीं है पूरी इक्वेशन में, तो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि ए इक्वल टू माइनस सी, ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे इसी तरीके से पी स्क्वायर के कोफिशेंट कंपेयर, तो स्टूडेंट इस लेफ्ट हैंड साइड में पी स्क्वायर है ही नहीं तो इधर तो जीरो आ जाएगा, इधर पी स्क्वायर ढूंढते हैं तो पी स्क्वायर का कोफिशेंट 3a है तो 3a लिख दिया, आगे बढ़ते हैं पी स्क्वायर का कोफिशेंट b है, फिर आगे बढ़ते हैं पी स्क्वायर ढूंढते हैं, इस पी स्क्वायर का कोफिशेंट 6c है, आगे बढ़ते हैं पी स्क्वायर का कोफिशेंट d है, आगे बढ़ते हैं अब कहीं नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब स्टूडेंट a को क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं माइनस सी, तो 0 = -3c। b को क्या लिख सकते हैं 1/10 प्लस 6c प्लस डी, 10 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 1/10 माइनस 3 प्लस 6c कितना हो जाएगा प्लस का 3c इक्वल टू में माइनस का 3 प्लस का 6 कितना हो जाएगा प्लस का 3c प्लस डी, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से जैसे हमने पी स्क्वायर के कोफिशेंट कंपेयर करें, अब हम किसके कोफिशेंट कंपेयर करेंगे, हम पी के कोफिशेंट कंपेयर करेंगे। तो इस इक्वेशन से पी के कोफिशेंट, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो पी है ही नहीं तो जीरो कोफिशेंट हो गया, फिर पी का कोफिशेंट इधर ए है, फिर इधर पी का कोफिशेंट देखना स्टूडेंट, पी देखिए बस पी का कोफिशेंट, इधर पी का कोफिशेंट 9c है तो पीछे प्लस 9c, आगे बढ़ते हैं प्लस प्लस 6d, यहाँ पे पी का कोफिशेंट कौन है प्लस का 6d। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि ए को क्या लिख सकते हैं माइनस सी, तो हमने यहाँ से हम ए को लिख देंगे माइनस सी प्लस 9c प्लस 6d, तो 9 में से 1 गए तो कितने बचे स्टूडेंट 8c प्लस 6d, ये जीरो की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट चाहो तो यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो यहाँ से c की वैल्यू, मान लीजिए मैंने यहाँ से d की वैल्यू निकालना है, सबसे पहले तो मैं 8 को उधर ले जाऊँगा माइनस का 8c = 6d और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 8/6 = d, ये d की वैल्यू आ गई, ये d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे माइनस का 1/10 = 3c और d की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस का 8/6 of c। एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट एलसीएम आएगा 6, 6 3 = 18c माइनस 8c, इधर माइनस का 1/10 एज इट इज़, 18 में से 8 गए तो स्टूडेंट बचे 10, तो ये 10c अपॉन में 6, इधर माइनस का 1/10 एज इट इज़। ठीक है स्टूडेंट, इसको उठा के इधर लाते हैं, इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 6 × 1 - 6, 10 × 10 = 100, ये सी का वैल्यू आपके पास आता है स्टूडेंट, तो ये सी का वैल्यू जो आपके पास आ रहा है, अब क्या करेंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 के टेबल से 2 3 और 2 50, तो सी कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास माइनस का 3/50, यहाँ से आपके पास सी की वैल्यू आ गई माइनस का 3/50। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट इससे, यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्या है माइनस सी के बराबर है, तो ये हो जाएगा 3/50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए का वैल्यू आ गया। अब क्या निकालना रहेगा डी का वैल्यू, तो मैं सी की जगह क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट माइनस 3/50 माइनस 8/6 × -3/50, सी की जगह रख देता हूँ तो डी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है स्टूडेंट, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 4, ठीक है 2 × 2 = 25, तो डी कितना आ गया स्टूडेंट 2/25।
5। तो स्टूडेंट ए आ गया, डी आ गया, ठीक है, और तीसरा कांस्टेंट क्या है हमारे पास, बी। बी भी हमारे पास आ चुका है, बी कितना आ चुका है, बी हमारे पास पहले से ही 1/10 आ चुका है, ठीक है। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, चार कांस्टेंट निकालने थे हमें, चारों कांस्टेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब आप देखेंगे हमें ये चारों कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ रख देनी है। ए की जगह हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, 3/50, बी की जगह माइनस, बी की जगह 1/10 और सी की जगह कितना रखेंगे स्टूडेंट, सी की जगह -3/50 और डी की जगह रखेंगे हम 2/25, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया है, इसको हमने इस तरीके से लिखा था और फिर हमने ए बी सी और डी की वैल्यू निकाल ली, ए 3/50, बी 1/10, सी -3/50 और डी 2/25। तो हम ये वैल्यूज पुट करते हैं हमारे इक्वेशन में, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ए कितना आ जाएगा 3/50 और पी +3 एज इट इज़, बी कितना है 1/10 और पी +3 का होल स्क्वायर एज इट इज़। फिर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, सी कितना है, सी आएगा -3/50 इंटू पी प्लस, डी कितना है 2/25 अप॑न में पी स्क्वायर +1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जो हमारे पास था, ये पी +3 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर +1, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे हमने पीछे दो पार्ट में, एक इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाला और एक हमने पीछे वाले का पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, अब इसको मूल इक्वेशन में इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, तो इसका इन्वर्स निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर रहे थे वाई टी में, हम 1/p +3 का होल क्यूब और पी स्क्वायर +1 इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे थे और हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/(1/this) and (this)। इस तरीके से इसका भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया था स्टूडेंट, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/p +3 +3/p +3 का होल स्क्वायर, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन कैसी रिड्यूस होने वाली है, वाई टी अपनी जगह एज इट इज़, इसकी जगह देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, एल इनवर्स अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट, 3/50 पी +3 +1/10 पी +3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अगर इसको लिखना चाहें तो -3/50 पी 2/25 अपॉन में पी स्क्वायर +1, इसको तो हमने एज इट इज़ लिख दिया, ये वाला ख़त्म। प्लस इसकी बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका एल इनवर्स ब्रैकेट खोलते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो 1/p +3 +3/ पी +3 का होल स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा। अब सारे जो है आसान फॉर्म में आ चुके हैं, अब सबका लाप्लास लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी तक हम इस फॉर्म में किसी का भी लाप्लास का फॉर्मूला नहीं जानते, तो अब यहाँ से हम इसका लाप्लास ले पाएंगे। तो स्टूडेंट अब लाप्लास लेना शुरू करते हैं, अगर मैं इसका लाप्लास दूंगा तो इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा, इस टर्म का लाप्लास दूंगा तो 3/50 का तो कुछ नहीं होना है, वाई टी इज इक्वल टू ये तो एज इट इज़, इसका 1/p +3 का लूंगा तो शिफ्टिंग थ्योरम से e^-3t और 1/p का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, t^0 हो जाएगा, 1/0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/p का क्या होता है, t^0 / 0। आगे बढ़ना है स्टूडेंट, यहाँ पे भी शिफ्टिंग थ्योरम लगेगा, इसका 1/10 तो एज इट इज़, जब एल इनवर्स इसमें लगेंगे तो शिफ्टिंग थ्योरम से इसको लिख सकते हैं e^-3t और 1/ में फिर क्या बचेगा, पी स्क्वायर, 1/p² का क्या होगा, t^1/(1). फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब इनका नहीं कर पाएंगे तो इसको पहले एलसीएम तोड़ देते हैं, तो इसका एलसीएम कैसे तोड़ेंगे, तो स्टूडेंट माइनस का 3/50 ऐसा p^p² +1, फिर 2/25 ऐसा का ऐसा और 1/p² +1, ठीक है। अब इनका लाप्लास इन्वर्स लिया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसमें शिफ्टिंग थ्योरम लग जाएगा, e^-3t और 1/p का क्या हो जाएगा, 1, और फिर इसमें भी शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, इसमें शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी तो 3 तो एज इट इज़, और इसमें लगेगा e^-3t क्योंकि +3 एट है, तो e^-3 घटा देंगे, फिर p² बचेगा, p² का हो जाएगा t, ठीक है स्टूडेंट। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 3/50 e^-3t t^0 1 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं, 1/10 e^-3t .t। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस
थ्री बाय फिफ्टी एज इट इज़, और ये सीधा स्टूडेंट फॉर्मूला होता है पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, आपको याद हो। इसको हम लिख सकते हैं कॉस टी, ए का काम वन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, ए का काम कर रहा है वन, पी अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कॉस ए टी। फिर टू बाय ट्वेंटी फाइव एज इट इज़, और स्टूडेंट वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन ए टी का, तो ये हो जाएगा साइन ए टी प्लस e की पावर माइनस थ्री टी प्लस थ्री e की पावर माइनस थ्री टी। अब आप इसको जितना चाहें उतना सॉल्व कर सकते हैं, e की पावर माइनस थ्री टी कॉमन ले लें, e की पावर माइनस थ्री टी वाले एक साथ लिख दें तो ये आपका आगे भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं इतना, और तो देखते हैं e की पावर माइनस थ्री टी यहाँ यहाँ है और यहाँ भी और यहाँ भी, तो e की पावर माइनस थ्री टी सब जगह से कॉमन ले लेते हैं, तो e की पावर माइनस थ्री टी कॉमन, तो ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ बचेगा थ्री बाय फिफ्टी, यहाँ बचेगा वन बाय टेन, यहाँ पे बचेगा प्लस वन और यहाँ बचेगा प्लस थ्री, ठीक है स्टूडेंट। बची हुई टर्म क्या है, बची हुई टर्म है माइनस थ्री बाय फिफ्टी कॉस टी प्लस टू बाय ट्वेंटी फाइव साइन टी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारी बची हुई टर्म है, इसको आप यहाँ तक भी सॉल्व करेंगे तो आंसर, इसको सॉल्व कर लेना, आप एलसीएम लेके छोड़ देते हैं यहाँ तक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार पूरा डिस्कस करते हैं हमने क्या करा है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया था हमें, इसको सॉल्व करना था, तो हमने पहले इसको लिख लिया, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया, डी स्क्वायर को वाई डबल डैश, डी को वाई डैश और वाई, इसका लाप्लास लिया हमने, वाई डबल डैश की वैल्यू ये पुट करी, वाई डैश की वैल्यू ये पुट करी और वाई को वाई बार लिख दिया लाप्लास लेने के बाद, और साइन का लाप्लास होता है वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन। ये सब स्टूडेंट हमने किया यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ए इक्वल टू में ये सब भी आया। फिर हमने यहाँ पे वाई जीरो की जगह वन रखा, वाई डैश जीरो की जगह जीरो रखा, फिर हमने वाई बार कॉमन लिया, वाई बार कॉमन लिया तो वाई बार के कोफिशिएंट यहाँ दिखे, बची हुई टर्म ऐसी कैसी दिखी, इधर वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन दिखा, इन दोनों को उठा के उधर ले गए तो ये माइनस का पी और माइनस का सिक्स इधर आ गया, प्लस का हो गया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़। फिर हम इसको देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, थ्री का स्क्वायर अगर इसको लिख दे तो इसको हमने लिख दिया पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर वाई बार, बाकी इधर जो है वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस पी प्लस सिक्स एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एज इट इज़ आ गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं आया। फिर हम वाई बार की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे वाई बार की वैल्यू निकालेंगे तो ये पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर जो है इधर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन के नीचे पी के नीचे आ जाएगा और सिक्स के नीचे आ जाएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमको मालूम है वाई बार को क्या लिख सकते हैं, एल ऑफ वाई टी, बाकी क्वेश्चन एज इट इज़, ठीक है स्टूडेंट। फिर ये एल उठ के उधर जाएगा तो इसका एल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों का क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाला और इसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाला, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन आया वन अपॉन में पी प्लस थ्री, थ्री अपॉन में पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका पार्शियल फ्रैक्शन हमने निकालना है, तो देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकाला, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए कितने कांस्टेंट आएंगे, पी की पावर जितनी उतने कांस्टेंट आएंगे, पी की पावर फोर बनेगी तो फोर कांस्टेंट, ए बी सी डी, ए अपॉन विद दिस, बी अपॉन विद दिस, सी पी प्लस डी अपॉन, क्योंकि क्वाड्रेटिक के पी में। फिर स्टूडेंट एलसीएम लिया, इस तरफ एलसीएम लिया और काट दिया, ये इक्वेशन आई हमारे पास रिड्यूस होकर। फिर हमने सबसे पहले तो किसी कोफिशियंट को पी की वैल्यू से जीरो बनाने की कोशिश करी कांस्टेंट्स को, तो पी इक्वल टू माइनस थ्री रखने पे जो है ए जीरो हो गया और ये सी और डी जीरो हो गया, बचा बी, तो बी की वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या करा स्टूडेंट, एक एक करके पहले पी की पावर क्यूब के कोफिशियंट देखे, पी की पावर स्क्वायर के कोफिशियंट देखे, फिर पी के कोफिशियंट देखे, और ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें डी मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया और ए मिल गया, चारों कांस्टेंट हमारे पास आ गए। एक बार ये चारों कांस्टेंट हमारे पास आ गए तो हमने क्या करा, इन चारों कांस्टेंट को इनकी जगह पुट कर दिया, ए की जगह 3 बाय 50, बी की जगह 1 बाय 10 और सी की जगह माइनस 3 बाय 50, डी की जगह 2 बाय 25, और इसको हम फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका लाप्लास इनवर्स लेने में हमें तकलीफ नहीं आएगी, तो ये हमारा मूल इक्वेशन था, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यह लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर इनकी जगह और फिर इनके इनवर्स ले लिए, यहाँ पर शिफ्टिंग थ्योरम लगी क्योंकि प्लस 3 है, तो जो भी पी में ऐड होगा वो ई से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जो भी पी में ऐड होगा वो ई में सब्ट्रैक्ट होगा, तो वही मैंने करा। यहाँ पे मैंने एलसीएम तोड़ दिया, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये लिख दिया, इसके बाद इनका इन्वर्स करा, यहाँ पे फिर पी में क्या ऐड है, थ्री, तो ई में से घटा दिया, फिर यहाँ पे भी पी में ऐड है तो ई में से घटा दिया, और बचा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का लाप्लास होता है टी। और फिर स्टूडेंट हमने आगे क्या करा, जितनी भी जगह इसका लाप्लास दिया तो कॉस थ्री टी, और इसका लाप्लास दिया वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन तो साइन टी, फिर ई की पावर माइनस थ्री टी वाली टर्म एक साथ कर ली तो ब्रैकेट में उनके कोफिशिएंट बच गए और बाकी टर्म एज इट इज़ कर दी, इसको सॉल्व करा तो आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एनकरेज करें। थैंक यू सो मच।